श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही सुंदर पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं। वह पहेली इस प्रकार है, आदि कटे से सबको पारे, मध्य कटे से सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो बा को आंखों दीठा। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल, और आज हम एक श्रोता की डिमांड पर हम अमीर खुसरो की पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सुंदर पहेली है उसकी। तो श्रोताओं, अब हम इनकी पहेली का अर्थ प्रस्तुत करें। आदि कटे से सबको पारे। आदि कहते हैं प्रारंभ को। यदि कोई शब्द ऐसा है उसका प्रारंभ कट जाए, अर्थात प्रारंभ के अक्षर काट दिए जाएं, तो फिर उसका अर्थ सबको पारने वाला निकल के आता है। अर्थात ऐसा शब्द बन जाता है जिसका अर्थ निकलता है वह सभी का पालन पोषण करता है, वो सभी के लिए आवश्यक है। मध्य कटे से सबको मारे, और यदि उस शब्द का मध्य भाग कट जाए तो फिर वह सभी को मारने वाला बन जाता है। मतलब प्रारंभ कटे तो सभी को पारने वाला बन जाता है, और मध्य कट जाए तो सभी को मारने वाला बन जाता है। आगे कह रहे हैं इसमें, अंत कटे से सबको मीठा, और यदि उस शब्द का अंत का जो वर्ड है, अंत का जो शब्द है वह कट जाए तो फिर सबको मीठा लगता है। और श्रोताओं ये कह रहे हैं, खुसरो बाग को आंखों दीठा। खुसरो कह रहे हैं कि वो उसकी आंखों में दिखाई देता है। तो श्रोताओं, वो क्या चीज है? अब हम इसका उत्तर सोचने लगे तो हमारे अनुसार तो इसका उत्तर काजल है। आखिर अब हम आपको समझाएंगे काजल कैसे है इसका उत्तर। आदि कटे से सबको पारे, आदि का मतलब प्रारंभ, काजल का कट जाता है तो शेष जल बचता है। अब जल में तो ऐसी शक्ति होती है सबको आवश्यक है, सभी लोगों को पारता है जल, सबको जरूरी है जल। तो श्रोताओं, आदि कटे सबको पारे, काजल में से का हटाने पर जल शेष बचता है। आगे कह रहा है, मध्य कटे से सबको मारे, और मध्य भाग भी यदि इसका कट जाए तो फिर सबको मारने वाला बन जाता है। अर्थात मध्य भाग में आता है जय, जय जलेबी। तो जय जलेबी को हटाने पर काल काल बन जाता है। तो ये भी बात सही है इसकी कि मध्य कटे तो सबको मारे, काल बन जाता है और काल सभी को मारने वाला होता है। अंत कटे से सबको मीठा, और यदि काजल का अंत कट जाए अर्थात लट्टू कट जाए तो सबको मीठा। काज कार्य, जो अच्छा कार्य होता है उसको काज कहते हैं। तो काज और कार्य तो सबको अच्छे ही लगते हैं, अच्छे कार्य को काज कहते हैं। तो इसलिए ये भी यहाँ बहुत अच्छी तुक लगती है, अंत कटे से सबको मीठा और खुसरो बा को आंखों दीठा। और खुसरो इसमें कह रहा है उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है, अर्थात वह काजल है।
श्रोताओं पहेली का अर्थ लग चुका है, अब हम विदा लेते हैं। बोलो जय श्री राम।